आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि द रेडी ऑफ द टू कॉलम इन यू ट्यूब आर R1 एंड R2। हमारे पास एक यू शेप ट्यूब है जैसे कि इस डायग्राम में शो कर रखी है। इसमें दो अलग अलग लिम्स हैं, उनकी रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है। पहले की रेडियस हमने दे रखी है कि इसकी रेडियस कितनी है R1 और ये बड़े वाले की है R2। R2 बड़ा दे रखा है क्वेश्चन में। When a liquid of density rho, जिसका angle of contact 0 degree है, is filled in it, the level difference of liquid in two arms is h. जब इसमें एक हम liquid fill up करते हैं rho density का, तो जो level का difference आया है, उसको इन्होंने height बोल दिया है कि ये height हमारी h है। तो हमसे question में क्या पूछा गया? The surface tension of the liquid is. तो हमसे question में पूछा गया surface tension क्या होगी t. तो उसको हम t मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के हम अप्रोच कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमें पता है कि जो ये पॉइंट 1 एंड 2 है, ये एक सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं, एकदम सेम लेवल पे ही है। तो इन दोनों जगह का क्या प्रेशर सेम होगा? बिल्कुल, इन दोनों जगह का हमारा प्रेशर सेम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिख सकते हैं कि P1 शुड बी इक्वल्स टू P2। अब P1 और P2 को हम क्या लिखेंगे? हमें इन अपर पॉइंट्स का प्रेशर पता है कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ लिख दिया हमने P0। और ये वाली जो लेयर है हमारी, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर लग रहा है, ये एकदम कर्व्ड है। तो जब हम इसके अंदर आएंगे तो कितना होगा? -2T/R। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये हमारी कॉनकेव सरफेस बनेगी। तो मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा, अंदर कम होगा, तो अंदर कितना हो जाएगा? P0 -2T/R। तो यह हो जाएगा P0 -2T/R। इसकी रेडियस कितनी है? R1। फिर हम इस पॉइंट से इस नीचे वाले पॉइंट तक आएंगे, 1 नंबर तक। तो कितना बढ़ेगा प्रेशर? रो जी एच हाइट के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा रो जी और हाइट कितनी है h इज इक्वल्स टू। अब हम सेकेंड वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर प्रेशर क्या है? ऊपर P0। और जैसे ही हम लिक्विड में एंटर करेंगे तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? -2T/R2। तो ये हो गया प्रेशर P0 -2T/R2। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि P0 से P0 कैंसिल हो गया, और रो जी एच इज इक्वल्स टू 2T/R1 -2T/R2। अब यहाँ से हम 2T कॉमन ले लेते हैं, 2T हमने कॉमन लिया, 1/R1 -1/R2। तो R1 R2 यहाँ एलसीएम लिया, तो ये हो गया हमारा R2 -R1 रो जी एच। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है हमारा? टी। तो यहाँ से हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी, ये R1 R2 उधर गया, तो रो जी एच R1 R2 डिवाइडेड बाय 2R2 -R1। तो ये आ गया हमारा सरफेस टेंशन।